अखाड़ा में आज सबसे पहले बात अयोध्या की और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों से जुड़ी खबरों से शुरू करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 22 जनवरी के लिए खुफिया एजेंसी ने बहुत बड़ा अलर्ट भेजा है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा है, ये अलर्ट आया है। घटना को अंजाम अयोध्या में ही दिया जाएगा, ये आवश्यक नहीं है देश के किसी भी कोने में इस किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है ताकि माहौल बिगड़ जाए। आतंकियों के निशाने पर राजनेता और नौकरशाह भी हैं। अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी बैठक हुई है, इसके बाद अयोध्या में सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि अयोध्या में ही किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जाए, देश के किसी भी कोने में किसी भी तरह का कि कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की जा सकती है जिससे प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन माहौल और अटेंशन बांटने की बिगाड़ने की कोशिश की जाए। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की क्लोज डोर मीटिंग हुई है और कई सारे अब इंतजाम किए जाएंगे। अयोध्या को बतौर एक किले के तौर पर परिवर्तित कर दिया जाएगा। 3 अलग अलग सिक्योरिटी रिंग्स की बात हो रही है, ड्रोन से इसकी निगरानी भी की जाएगी, तो आकाश से, जल से, थल से, हर जगह से पुख्ता सुरक्षा के इंतजामात अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में किए जाएंगे। लेकिन आवश्यक ये नहीं है कि अयोध्या में ही किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जाए, कई सारे राजनेता, सरकारी अफसर ये सब इसमें निशाने पर हैं, रेडार पर हैं और घटना को अंजाम कहीं और भी दिया जा सकता है। ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ओपी, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। 22 जनवरी का दिन जो उत्साह, आनंद और एक बहुत बड़ा उत्सव के तौर पर पूरे देश में ही नहीं दुनिया भर में मनाया जाएगा, उस दिन किसी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल आनंद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और उसके सहयोगी संगठनों की ये सबसे बड़ी कोशिश है कि 22 जनवरी या उसके पहले देश का माहौल कुछ इस तरह से बिगाड़ दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब किया जा सके। बेसिकली पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी और उसके सहयोगी संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज देना चाहते हैं कि भारत में एक वर्ग विशेष के साथ बहुत अच्छा नहीं हो रहा। इसके पहले जैसा कि खुफिया अलर्ट में भी लिखा हुआ है आनंद, कि हमास इसराइल जब युद्ध चल रहा है तो उस दौरान जब भारत ने इसराइल का समर्थन किया तो उस बात को भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और उसके संगठनों ने यह प्रचार करने की कोशिश की, एक वर्ग विशेष के कारण इसराइल का साथ दे रहा है भारत। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज देना चाहता है और उस मैसेज देने की आड़ में वो अपनी रोटियां सेकना चाहता है, और यही कारण है कि केवल 22 जनवरी को अयोध्या ही नहीं बल्कि किसी भी जगह पर या उसके पहले किसी भी जगह पर इस तरह का माहौल पैदा किया जा सकता है जिससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो। हालांकि खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग चुकी है आनंद, और अब बड़े पैमाने पर उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं आनंद। जी ओपी, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त अमित पांडे भी हमारे साथ लाइव हैं, श्री अयोध्या से आप जुड़ रहे हैं। आपके पीछे पूरे राम मंदिर परिसर पर जो काम चल रहा है वो दिख रहा है। दिसंबर 2025 तक ये परिसर का काम समाप्त हो जाएगा, मंदिर का जो मेन एरिया है दिसंबर 2024 तक समाप्त करने की तैयारी है। लेकिन क्या राममय हो चुका है अयोध्या, नगाड़े भी आ रहे हैं, द्वार बन रहे हैं, अमित बताइए। पूरी तरीके से अयोध्या धाम और राममय हो चुका है और भक्तों का तांता भी लगातार आनंद है। और जहाँ तक कि देखिए, जो भी भक्त यहाँ पर जा रहे हैं लगातार इस तरीके की गूंज हमें लगातार सुनाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि सुरक्षा का आप जिक्र कर रहे थे, सुरक्षा से कोई भी समझौता यहाँ पर नहीं किया गया और लगातार जो बैठक होती हैं उससे संबंधित वो हो रही हैं। अभी परसों जो सुरक्षा सलाहकार है राम मंदिर के, के शर्मा, पूर्व BSF प्रमुख, वो यहाँ पर आए थे, दौरा किया था और लगातार ऐसी बैठकें होती रहती। देखिए पूरा जो परिसर है आनंद, हम ये दिखाना चाहते हैं, पूरे परिसर को CCTV का एक पूरा जाल बिछा दिया गया, हर जगह यहाँ पर CCTV मौजूद है और इस तरीके से 3 लेयर सिक्योरिटी है वो यहाँ पर मौजूद है। तो हर कोई शख्स यहाँ पर जाएगा, ये एकदम बाहर का एरिया है आनंद, इसीलिए यहाँ पर अभी पुलिस वालों की मौजूदगी इससे कुछ ही दूरी पर, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाएंगे आपके आसपास बैरिकेड्स भी दिख रहे हैं, आपके आसपास बैरिकेड्स भी हमें देखने को मिले। ये बैरिकेड्स अपने आप स्वतः आ जाते हैं और ब्लॉक हो जाते हैं। हाँ जी बताइए।
देखिए आनंद, बैरिकेड भी बहुत खास हैं। ये तो बैरिकेड है कि कोई अनधिकृत वाहन प्रवेश न कर सके, और इसके बाद अगर आप वहां पर नजर डालेंगे तो वो है ऑटोमेटिक बैरिकेड, मतलब बैरिकेड में भी दो लेयरिंग, और ये सिर्फ बाहर का हिस्सा है आनंद। जैसे जैसे हम अंदर वहां पर जाएंगे तो वहां पे एक स्टील का ऑटोमेटिक बैरिकेड है, जिसकी जो भी संदिग्ध गतिविधि हो या कोई भी अंदर जाए तो तुरंत वह यहाँ पर अपने आप को राशि को ब्लॉक कर देगा। बेहद विस्तृत सुरक्षा प्लान इस परिसर का तो तैयार किया ही गया है, साथ ही साथ पूरी अयोध्या का जी। लेकिन ओपी, सिर्फ अयोध्या में ही टेरर थ्रेट या सिक्योरिटी का इशू नहीं है, देश भर में किसी भी पॉकेट पर कहीं पर भी कुछ करके किसी तरह से किसी कारनामे को अंजाम देने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसे कुछ और एरियाज हैं जो कि हाई अलर्ट जोन्स हैं, जिन पर निगाह रखी जाएगी, जहां सुरक्षा इंतजामात कुछ ज्यादा ही मुस्तैद कर दिए जाएंगे, और कुछ राजनेताओं के नाम का इन्वॉल्वमेंट भी बताया जा रहा है। बिल्कुल आनंद, मैं आपको बता दूं कि केवल अयोध्या ही नहीं, कई जगह ऐसी हैं जहां पर हाई अलर्ट करने को कहा गया है। इसमें जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और सबसे बड़ी बात दिल्ली, इन जगहों पर हाई अलर्ट करने को कहा गया है। पंजाब, हरियाणा, ये ऐसे इलाके हैं यहाँ पर अगर एक चिंगारी फूटी, क्योंकि आप समझिए आनंद की आईएसआई की कोशिश क्या है। आईएसआई की कोशिश ये है कि आतंकवादी हमला तो अपनी जगह पर है, मान लीजिए कि कोई अगर सभा जा रही है और किसी सिरफिरे ने वहां एक पत्थर मार दिया तो क्या हालात बनेंगे? तो आईएसआई ओपी जरा अमित तिवारी ओपी जरा अमित पांडे बुला रहे हैं, एक मिनट ओपी जरा रुकिए, अमित पांडे बुला रहे हैं जी। अमित आनंद, देखिए कैसे सुरक्षा तंत्र पूरा काम कर रहा है, हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए सामने राम मंदिर द्वार के सामने एक धार्मिक जुलूस निकल रहा है, लेकिन इससे पहले देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की जो पैनी नजर है लगातार इस ऐसे जुलूसों पर, इस तरीके के धार्मिक आयोजन पर श्रद्धालुओं के साथ साथ रहती है। तो आप ये समझिए इन तस्वीरों को, बहुत जरूरी तस्वीरें आनंद, कि अगर भीड़ भाड़ हो और जो भी अगर व्यक्ति यहाँ पर हो वो लगातार सुरक्षा बलों की नजर में यहाँ पर रहता है। एक और सीसीटीवी की नजर, एक और ऐसी भीड़ पर नजर रखने के लिए सुरक्षा बल यहाँ पर लगातार मौजूद है, बकायदा इनको ट्रेनिंग है। एक और विजुअल है, देखिए ये खास वर्दी में उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो विकसित की है राम मंदिर की सुरक्षा के लिए, वो भी यहाँ पर तैनात है। तो एक मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी प्लान यहाँ पर तैनात है, और उसके मुताबिक और न केवल राम मंदिर पर से, जैसा कि मैं बता रहा था, पूरे अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को इसी व्यवस्था के तहत किया जा रहा है दुरुस्त जी। धन्यवाद अमित। तो वापस ओपी की ओर रुक करते हैं। ओपी, कुछ राजनेताओं के नाम आए हैं, कुछ सरकारी अफसरों के नाम आए हैं जिन पर पर्सनल अटैक्स हो सकते हैं, तो आतंकवादी या आतंकी गतिविधि के साथ साथ किसी तरह से सामूहिक माहौल, किसी तरह से अगर उसको विफल कर दिया जाए, खराब कर दिया जाए, ये कोशिश भी हो सकती है। बिल्कुल आनंद, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल कुल मिलाकर कोशिश ये है, मान लीजिए कि एक वर्ग विशेष के लोगों की हत्या कर दी जाए, लेबरों की हत्या कर दी जाए, या फिर इस काम से जुड़े लोग जो बाहर हैं उनकी हत्याएं कर दी जाएं, जो काम करके लौट रहे हैं उनकी हत्याएं कर दी जाएं, या जो दर्शन के लिए जा रहे हैं उनकी हत्याएं कर दी जाएं। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो चॉकआउट किए हैं इंटेलिजेंस ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, चूंकि जो आतंकवादी संगठन उससे जुड़े लोग हैं उनका दायरा एक जगह नहीं है, उनका दायरा इन तमाम जगहों पर है। जो राजनेता वहां भाग लेने जा रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स उससे जुड़े हुए हैं, या फिर कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट जिसके ऊपर हमला होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खलबली मच जाए। आनंद, मेरे कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान एक मैसेज देना चाहता है। मैसेज क्या देना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि भारत का माहौल खराब है इसलिए वहां पर इस तरह की वारदात हो रही है, जबकि सच्चाई ये होगी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और उससे जुड़े संगठन वो हरकत करवाएंगे, लेकिन उसको रंग देंगे कि भारत के लोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां सुरक्षा बलों के साथ लगातार कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों पर बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न जगहों पर बैठक चल रही है, और सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के लिए है कि इस पूरे माहौल को एक शांतिपूर्ण तरीके से निपटा दिया जाए। और यही कारण है कि बैठकों का माहौल लगातार जारी है। आनंद, धन्यवाद ओपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण